हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बिल्कुल गुरुद्वारे जैसा बिल्कुल सही मेजरमेंट्स के साथ कड़ा प्रसाद बनाने वाले हैं। उसके लिए हमें चाहिए कटोरी घी, एक कटोरी चीनी और एक ही कटोरी आटा, दो कटोरी पानी, और जितना हमने चीनी ली है उससे डबल हमें पानी लेना है। अब हम चलते हैं अपने पैन की तरफ। सबसे पहले हम घी को गर्म कर लेंगे। और जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम उसमें जो हमारा आटा है वो डाल देंगे। और उसको थोड़ी देर के लिए अच्छे से भून लेंगे। और इस टाइम पे जो हमारी गैस है उसको हम मीडियम फ्लेम पे कर देंगे, और पूरे प्रोसेस में हम उसको मीडियम फ्लेम पे ही रहने देंगे। आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जो सारी मेजरमेंट्स हैं वो आप एक ही कटोरी या एक ही कप से लें। इसको आप स्टर करते हुए ही पकाएं। जो हमारा कड़ा प्रसाद है उसमें हमें चीनी और पानी ऐसे ही नहीं डालना है, उनको पहले हमें बॉयल करना है। चीनी और पानी को हमें एक साथ तब तक बॉयल करना है जब तक जो चीनी है वो सारी पानी में मिल नहीं जाती। अब जो चीनी है हमारी सारी पानी में मिल गई है एकदम अच्छे से, तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब जो हमारा आटा है वो भी बहुत अच्छे से भुन चुका है और उसमें से एक बहुत अच्छी खुशबू भी आनी शुरू हो गई है, और इसका कलर आप देख ही सकते हैं। तो इस टाइम पे हम इसमें जो हमने मिक्सचर बना के रखा था चीनी और पानी का, वो ऐड कर देंगे और इसको साथ में मिक्स करते रहेंगे। आप इस टाइम पे अपने हाथ को थोड़ा बचा के रखें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उछलता है। अब इसको साथ में मिक्स करते रहेंगे हम, और ये पानी काफ़ी जल्दी सूख जाता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है हमारे पास, और ना ज़्यादा इसमें घी है ना ज़्यादा चीनी होगी इसमें, सब कुछ इसमें परफेक्ट अमाउंट में होगा। आप इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स करते हुए होने देंगे, और थोड़ी देर के लिए। जब ये कड़ा प्रसाद पैन पे घी छोड़ना शुरू कर दे इसका मतलब ये हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको किसी भी चीज में निकाल देंगे। जो हमारा आटे का हलवा है वो बिल्कुल सॉफ्ट बना है, और ना इसमें घी ज्यादा है न कम है, बिल्कुल परफेक्ट अमाउंट में है। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।